ओंकारेश्वारूढ़े नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोस्तुते प्रत्यालीण पदे घोरे मुंडमाला प्रतिलंबिते खर्वे लंबोदरे भीमे कालिकायै नमोस्तुते नवयौवन संपन्ने गजकुंभोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शांते कालिकायै नमोस्तुते लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोस्तुते व्याघ्रचर्मांबरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोस्तुते नीलोत्पल जटाभारे सिंदूंद्रेन्दु मुखोदरे सुरद्रक्त त्रोष्ट दशने कालिकायै नमोस्तुते प्रलयानल ध्रुमाभे चंद्र सूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोस्तुते ब्रह्म शंभुज लोघे च शव मध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटि समायुक्ते कालिकायै नमोस्तुते कृपामयी हरे मातः सर्वाशाप परिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोस्तुते इति उत्तरतंत्रार्गतम् श्रीकाली तांडव स्रोतम् संपूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय मां काली। आज हम 10 साल की तलाकशुदा नुजूद अली की कहानी का भाग 4 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी न्यूज आपके साथ शेयर करूंगी ताकि तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। तो हमारी पहली न्यूज है, सूर्य की सतह पर विस्फोट से धरती पर मंडराया ब्लैकआउट का खतरा। अरबों टन प्लाज्मा निकला, 24 घंटे अस्थिर रहेगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई भविष्यवाणियों के अनुसार पार्टिकल्स में पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को बाधित करने की 50% और ब्लैकआउट करने की 10% संभावना होती है। स्ट्रीम में पावरफुल रेडिएशन होता है जो पृथ्वी की टेक्नोलॉजी को बाधित कर सकता है। तो सूर्य की सतह पर बड़ा विस्फोट हो गया है, धरती पर आज हो सकता है ब्लैकआउट। दूसरी खबर है, भगवा कुर्ता देखकर भड़के कांग्रेसी अपने ही नेता की कर दी पिटाई, फाड़ डाले कपड़े, बोले पीड़ित पहले भाजपा ही बताया फिर लाठी डंडों से पीटा। अगली न्यूज है नाइजीरिया की, इस्लामी आतंकियों ने एक हफ्ते में मारे 134 ईसाई, पादरी को घर में घुसकर मार डाला। नाइजीरिया में इस साल 1000 ईसाइयों की हो चुकी है हत्या। रिपोर्ट का दावा है कि नाइजीरिया में 2022 के शुरुआती महीने से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा ईसाई मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते में वहां 134 ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया है। दुख की बात है कि ये लोग जिहादी जो है इस तरह नरसंहार कर रहे हैं। अगली न्यूज है, 300 करोड़ की रिश्वत के लिए मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई पहुंची सत्यपाल मलिक के घर। जम्मू कश्मीर में फाइलों की मंजूरी के लिए रकम कर दिया गया था प्रस्ताव। अगली न्यूज है, दिल्ली मेट्रो में ये क्या हो रहा है, अब सीट पर बैठकर हस्त मैथुन करता दिखा युवक, ओरल सेक्स का भी वीडियो वायरल। अगली न्यूज है, बेड तक रखें सेक्सुअल पसंद, हर जगह न करें प्रदर्शन। समलैंगिक विवाह पर कंगना रनौत ने कहा, बिस्तर में क्या करते हैं उनसे नहीं बनती पहचान। हाँ बिल्कुल,
मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले पीएम मोदी ने 84 जिलों को दी सौगात, 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन। मैसेज देखे, यह अफेयर था कलियागंज में, जिस दलित नाबालिग की रेप के बाद हत्या का दावा उसे सीएम ममता बनर्जी ने प्रेम प्रसंग के साथ जोड़ा। तो प्रेम हो या ना हो, रेप तो है ही ना, अगर वो नाबालिग लड़की है तो। अगली न्यूज है, सोने के आसन पर विराजमान होंगे रामलला, भगवान सूर्य करेंगे अभिषेक। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में विग्रह की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अगली न्यूज है, बेवफाई टॉर्चर गाली, 6 पन्नों में सब कुछ लिख कर गई थी जिया खान। 10 साल बाद कोर्ट ने सूरज पंचोली को कर दिया बरी, सुसाइड के लिए उकसाने का था आरोप। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए पी में वाला घर, माफिया के बेटे के नाम से लेटर वायरल, हत्या में अखिलेश यादव का बताया हाथ। अगली न्यूज है, WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस करेगी FIR, सुप्रीम कोर्ट को बताया पहलवानों ने यौन शोषण का लगाया है आरोप। मौत का सौदागर से लेकर जहरीला सांप तक अमित शाह ने कर्नाटक को याद दिलाया पीएम मोदी का अपमान, कहा कांग्रेस की मती मार गई है। हाँ, ये लोग कितनी बदतमीजी से बोलते हैं, उनको सांप बोल रहे हैं, उनको इस तरह से पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो ये होंगे नरपिशाच कम्युनिटी के। मुख्तार ने अपने गुर्गे गणेश दत्त मिश्रा के जरिए ठाकुर जी की जमीन पर कब्जा कर लिया है, बेदखली के बाद भी वहां से हटा नहीं है। अंसारी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मुख्तार अंसारी ने मंदिर की करोड़ों रुपए की जमीन पर किया कब्जा, अधिकारी खाली करने से डरते हैं, ऑफ इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। गांधी बताते हैं कि गणेश दत्त मिश्रा मुख्तार के सहयोग से बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा करता था और उसकी प्लॉटिंग करके बेचता था। उसने भी साल 2019 में ठाकुर जी की जमीन को राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर अपने नाम करा लिया, फिर उसे प्लॉटिंग को बेचने लगा। तो देखिए, ये एक हिंदू है लालची, इसने एक मुसलमान को इम्प्लॉय करके बहुत सारे मंदिर के जमीनों पर कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी की आनंद यादव की 50 लाख की रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है। वहीं उसके शूटर अंगद राय को बिहार के भभुआ से गाजीपुर लाने की तैयारी कर ली गई है। पिछले दिनों शराब के साथ उसे बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्तार अपने परिवार के ही सदस्यों के साथ जेल में बंद है, उसकी पत्नी आफसा अंसारी फरार है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की तरह आफसा परवीन पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह तलाशी अभियान भी चला रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। वहीं अंगद राय पर शिकंजा कस रहा है। एक वक्त था मुख्तार के डर से आम जनता तो क्या, नेता और अधिकारी भी नहीं बोलते थे। उसके ग्रह जनपद मऊ से लेकर पूर्वांचल में वही होता था जो वो चाहता था। ऑफ इंडिया से बात करते हुए इसके बारे में मऊ के DSP धनंजय मिश्रा का कहना है कि एक समुदाय का नेता होने के अलावा उसमें और कोई मेरिट नहीं है, उस पर 5 दर्जन केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी इतना कॉन्फिडेंट हो गया था, उसे हिंदू धर्म स्थलों की जमीन पर कब्जा करते हुए किसी से डर नहीं लगता था। उसने मऊ में सदर तहसील के अंतर्गत दक्षिण टोला में हिंदुओं के 125 साल पुराने धर्म स्थल की 4.60 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता छोटे लाल गांधी ने साल 2016 में थाने की शिकायत की दी थी। ऑफ इंडिया के पास मौजूद शिकायत की कॉपी में कहा गया है कि मुख्तार ने राजस्व कर्मचारियों से गठजोड़ करके जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया है और अपने से बेमाना कराकर जमीन पर कब्जा कर लिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बेनामा कराने के साथ ही उसने अपराधियों को इलाके में इकट्ठा किया और JCB मशीन लगाकर भगवान की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि तब भी छोटे लाल गांधी ने मुख्तार अंसारी के विरोध में खड़े हुए थे और उस लड़ाई को आज भी लड़ रहे हैं।
ऑफ इंडिया से बात करते हुए गांधी ने कहा, तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी ने सन 2016 में 50,000 लोगों के साथ में अंसारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इससे सटे ठाकुर जी भगवान जी की लगभग 15 करोड़ रुपए की जमीन को भी वो कब्जा करने लगा। गांधी आगे कहते हैं, इसकी जानकारी मुझे मिली तो मैंने सारे अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मई 2016 में मैंने 7 दिन तक लगातार धरना दिया। इसके बाद जिला अधिकारी को बात पता चला तो वो अन्य अधिकारियों को लेकर आए, कहा कि 7 दिन में सारी जमीन वापस ठाकुर जी के नाम कर दी जाएगी। मुख्तार पर राजनीतिक सरपरस्ती की घटना को याद करते हुए गांधी आगे कहते हैं कि उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्तार सपा का विधायक था। किसी डीएम या अधिकारी की औकात नहीं थी कि वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच करा दे। जांच नहीं हुई। साल 2019 में मुख्तार का खास गुर्गा गणेश दत्त मिश्रा ने फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया। गांधी बताते हैं कि गणेश दत्त मिश्रा मुख्तार के सहयोग से बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा करता था और उसकी प्लॉटिंग करके बेचता था। उससे भी साल 2019 में ठाकुर जी की जमीन को राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर अपने नाम करा लिया और फिर उसकी प्लॉटिंग करके बेचने लगा। गांधी कहते हैं कि जैसे ही इसकी जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना डीएम को दी। इसके बाद मिश्रा सहित 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छोटेलाल गांधी ने आगे बताया, एसडीएम निरंकार सिंह ने 2 महीने के भीतर उस जमीन पर से सारे लोगों के नाम निरस्त करके उस जमीन को ठाकुर जी के नाम कर दी और उसका प्रबंधक मऊ कलेक्टरेट को बना दिए। मुख्तार के आदमी भी बहुत है मऊ में। बेदखली के बाद भी उस जमीन को आज तक खाली नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अभी अधिकारी मुख्तार से डरते हैं कि कहीं सरकार बदल गई तो मुश्किल हो जाएगी। छोटेलाल गांधी ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी और मुख्तार अंसारी की लगभग 8 अरब रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था। ये पूछे जाने पर कि अब जब अधिकारी मुख्तार से डरते हैं तो आपको डर नहीं लगता, इस पर छोटेलाल कहते हैं कि वे ये काम मरने के लिए ही करते हैं, उन्हें मुख्तार अख्तार से कोई डर नहीं। तो ये छोटेलाल गांधी जी का मैं बहुत साधुवाद भेजती हूँ उनको कि उन्होंने जो है इस बातें इसमें कुछ तो किया। जहाँ हिंदू खाली न्यूज पढ़कर रह जाते हैं बेचारे, ये छोटेलाल गांधी, इन्होंने दोनों टाइम पर, वो जो गणेश दत्त मिश्रा है उसको भी जेल होनी चाहिए। मैंने अभी गलत बोला था आपसे कि गणेश दत्त मिश्रा ने एम्प्लॉय किया था मुख्तार अंसारी को, उल्टा हुआ था। मुख्तार अंसारी के लिए गणेश दत्त मिश्रा काम करता था और उसने भी जो है वो मंदिर की प्रॉपर्टी जो है हथियाई थी। तो ये लोगों को, इन दुष्टों को ईश्वर नर पिशाचों को इस दुनिया से दूर करे। और भारत में एक भी नर पिशाच जो है उसके रहते हुए बहुल जो हिंदू है वो सेफ नहीं है। एक नर पिशाच से बहुल हिंदू सेफ नहीं है। और इसीलिए जो है चाहे पार्टी मोदी जी को हो, चाहे एकम सनातन की हो, चाहे कोई भी हो, मैंने उनसे बोला था कि हाँ ये पार्टी आएगी तो मोदी जी की पार्टी में गजवाए हिंद जल्दी हो जाएगा और एकम सनातन आएगी तो शायद देर से होगा। बात कम जल्दी या देर का ही है और असली बात यह है कि जब तक एक भी नर पिशाच इस भारतवर्ष में रहेगा तब तक हम हिंदुओं को बहुत ही ज्यादा खतरा है। और गजवा हिंद आज नहीं होगा, दूसरी पार्टी की वजह से जो हिंद सनातन के लिए थोड़े से और काम कर देगी उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। गजवा हिंद थोड़े सालों के लिए और टल जाएगा ताकि कॉकरोच जो है अपने अपनी आबादी और बढ़ा लें और आतंक फैला दें। इसलिए हमें ऐसी पार्टी लानी है जो कि ये प्रण ले, हमें चाहे मंदिर ना बनवाए, चाहे सनातन के लिए कोई काम ना करे, नर पिशाच हर को इस भारतवर्ष से निकाल दे, ऐसी पार्टी हमें चाहिए। हमें सारे बहुत सारे काम नहीं करवाने, हमें बहुत जगहों पे मंदिर और ये और वो और आर्टिकल ये आर्टिकल वो, ये सब काम में नहीं। जो पार्टी हमको ये प्रॉमिस करे कि वो हर एक नर पिशाच को हमारे भारत में से निकाल देगी, या तो उन्हें सनातन में घर वापसी करनी पड़ेगी या वो अपने किसी नर पिशाच देश में चले जाएं, जब तक हम ये नहीं दबाव डालेंगे, चाहे पार्टी ए हो या बी हो या सी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गजवा हिंद देर सबेर होके रहेगा।
और बहुत सारी हिंदुओं के लिए चीजें करने से कोई फायदा नहीं है, जब मूल चीज जो रूट कॉज है वो है नर पिशाच का यहां से जाना। ये कोई पार्टी करेगी तभी होगा। मुझे इतना ही कहना था आज के लिए। तो फिर आपने मुझे ये भी फीडबैक दीजिए, मुझे मैंने आपसे दो फीडबैक मांगे थे, मैं फिर से दोहरा देती हूँ मुझे क्या फीडबैक चाहिए आप लोगों से। मुझे एक तो ये फीडबैक चाहिए कि आप लोगों को कौन सा टाइम सूटेबल है जब मैं अपने जो है वो पुराने वीडियोस को का प्रीमियर करूँ। तो क्या मॉर्निंग में 7:30 बजे, अभी मैं डेली मेरा एक वीडियो आता है सुबह 7:30 बजे, उस समय मेरी रात होती है पर मैं उसको स्केड्यूल कर देती हूँ। तो कौन सा दिन का समय है जब सबसे ज्यादा लोग आपकी नजर में देखते हैं वीडियो, उस समय ज्यादातर ऑडियंस देखती है, क्योंकि वो वाले मेरे पुराने वीडियोस ऐसे हैं कि उनमें मैंने कोई बात नहीं करी है सिवाय एक हदीस के बाद दूसरी हदीस के बाद आयत के बाद हदीस के बाद आयत, ऐसे ऐसे बस खाली हदीस और आयतों का समूह है वो। तो बस उसमें मैंने खाली हदीसें और आयतें पढ़ दी हैं टॉपिक के ऊपर, तो वो पूरा भंडार है। तो आप जो है वो मुझे बताइए कि क्या सूटेबल टाइम है जब वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू देखकर अवेयर हो सकें और उनको सारी हदीसों और आयतों का संग्रह एक जगह मिल जाएगा जहां वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे वो वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं हैं। एक तो मुझे समय बताएं, ये मुझे पहला फीडबैक चाहिए। दूसरा मुझे फीडबैक ये चाहिए कि जब मैं कोई नई किताब पढ़ती हूँ तो आप जी इवनिंग टाइम इन इंडिया अराउंड 6 PM, तो मैं उस समय ऑलरेडी वेद पढ़ने स्टार्ट कर देती हूँ। 4:30 बजे शाम से तो मैं वेद पढ़ने शुरू कर देती हूँ। तो सुबह से लेकर 4:30 बजे तक के बीच का कौन सा टाइम है जब सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है देखे? जी औसम जी धन्यवाद, आपने मेरे को एक्चुअली एक टाइम तो बताया, लेकिन उस समय मैं वेद ऑलरेडी पढ़ रही होती हूँ। जब आपके 6 बजे होते हैं तब मेरे सुबह के मेरे ख्याल में मैं सुबह 4:30 बजे सामवेद स्टार्ट कर सुबह शाम के आपके 4:30 बजे से सामवेद स्टार्ट करती हूँ। तो मैं 4:30 बजे से तो ऑलरेडी मेरी स्ट्रीम्स हो ही रही होती हैं। तो 4:30 बजे सुबह 7 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का और कौन सा टाइम है जब सही सूटेबल है वो बताइए। और दूसरा ये कि जब मैं कोई नई किताब पढ़ती हूँ तो क्या मैं, जैसे मैं नजूद अली के हर एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, क्या ये आपको सुनना अच्छा लगता है या मैं पूरे किताब की एक एक बार में समरी बता दूँ, एक उसमें एक स्ट्रीम करूँ उसमें पूरे किताब की समरी बता दूँ, बस एक ही स्ट्रीम रखा करूँ एक किताब के ऊपर, या जैसे मैंने अभी तक हर एक चैप्टर पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का, वफा सुल्तान की किताब का और अब ये नजूद अली की 10 साल की, तो वो ये बताइए। तो आंदोलन जी कह रहे हैं समरी जी। अच्छा आंदोलन जी कह रहे हैं कि वेद कुछ दिन के लिए विराम कर दें, क्यों आप क्यों चाहते हैं कि वेद का विराम हो जाए? मैं तो चाहती हूं कि हम जितनी जल्दी हो चारों वेद डेली पढ़ा करें थोड़े थोड़े। यजुर्वेद के मैं केवल 2 मंत्र पढ़ती हूँ, इसी तरह 5 मंत्रों से ज्यादा एक वेद के पढ़ती ही नहीं हूँ। 2 घंटे के अंदर सारे वेद खत्म कर लेती हूँ, चारों वेद थोड़े थोड़े पढ़कर, बीच में काफी ब्रेक भी देती हूँ। तो 15 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा एक वेद नहीं पढ़ती हूँ। और गीता तो मैंने ऑलरेडी खत्म कर ली है गरिमा जी, गीता मेरी खत्म कब की हो गई है भगवत गीता, अब तो मैं गीता दर्पण पढ़ रही हूँ, उसका भी 79th एपिसोड में कर चुकी हूँ। तो गरिमा जी या तो आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी नहीं है, आपने अभी जोड़ी है मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए जी। तो वेद बंद करने से पहले सुरक्षा का क्या मतलब है? वेद पढ़ने से मुझे क्या सुरक्षा नहीं मिलेगी? तो अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं। आंदोलन जी कह रहे हैं समरी पढ़ूं, नरेंद्र जी कह रहे हैं विस्तार से बताऊं। तो मुझे अभी तक ठीक है, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक वोटिंग का लगा दूंगी, उसमें मुझे पता चल जाएगा, यही मैंने सोचा है। तो आ,
आज हमने ये देखा कि नजूद अली, अभी तक हमने उसके दो तीन चैप्टर, तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे नजूद जो है 10 साल की लड़की है और उसको उसकी माँ ने जो है वो बस वो उसके पैसे दिए ब्रेड खरीदने के, और 75 सेंट के बराबर थे वो पैसे, और वो लेकर बस में सवार होकर और न्यायालय पहुंच गई है। दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि कैसे वो न्यायालय में जाके सो गई थी, तो उसे न्यायाधीश से मिलना था और कौन से न्यायाधीश से उसे नहीं पता था, और न्यायाधीश ने उसको जगाते हुए बोला कि भाई तुम क्या चाहती हो, तो उसने एक शब्द कहा, तलाक। तो अब फिर हमने तीसरे दूसरे चैप्टर में देखा कि तीसरे चैप्टर में देखा कि उसके नहीं सॉरी दूसरे चैप्टर में देखा, यहाँ तक पहला चैप्टर था। फिर दूसरे चैप्टर में हमने उसके गांव के बारे में जाना कि कैसे पांच ही घर थे उसके गांव में, और कैसे वो उसके भाई बहन रहते थे, और उसकी एक शादीशुदा बहन थी, और एक जो शादीशुदा बहन का पति भी लापता हो गया और उसकी एक दूसरी बहन भी लापता हो गई। और फिर हमने तीसरे वाले में देखा कि वो उसने न्यायाधीश जो था वो उसने उससे पूछा कि तुम क्यों तलाक चाहती हो, तो उसने एक बार में कह दिया कि भाई मेरे को वो मेरा हस्बैंड मारता है। तो अब उस वो उसकी बीवी बच्चे गए हुए थे मायके, उसकी बीवी गई हुई थी, तो वो यमन में कोई भी अकेला लड़का और लड़की मिल नहीं सकते, तो उसने एक और जज से उसको मिलवाया, और एक तीसरा जज था, और कैसे उस तीसरे जज ने की बीवी जो थी वो घर ही में रहती थी, तो उसने कहा कि ये मेरे घर में रह लेगी तब तक के लिए, और हम जरूर इसकी सहायता करेंगे। और फिर कैसे वहां पर उसकी छोटी जो 4-5 साल छोटी है इस नजूद से, वो छोटी बच्ची जो है वो इसको कैसे वेलकम करती है। और हमने ये देखा कि उसका उनका वो लोग बड़े अमीर हैं और उनके घर में नुजूद को जो है ना सारी चीजें मिलने लगती हैं। हाँ ठीक है प्रवीण जी, मैंने अभी 7:30 बजे का रखा है मॉर्निंग का, तो मेरा एक वीडियो डेली 7:30 बजे आता है। तो अब हम आज देखते हैं कि चौथा चैप्टर आज हम करेंगे, और वो चैप्टर है उसकी शादी के बारे में। मेरे ख्याल में तो फरवरी 2008, असल में ये किताब जो है ये इंग्लिश में है, और इस किताब को मैं ऐसे दिखा के नहीं पढ़ सकती, क्योंकि फिर उसमें मैंने उन लोगों से परमिशन वगैरह नहीं ली हुई है, तो उनकी किताब हूबहू पढ़ी नहीं जा सकती है। तो और ये किताब इंग्लिश में है, तो इसलिए मैं सबको जो है वो खुद से ही कन्वर्ट कर करके और आपको सुनाती रहती हूँ, जैसे मैंने वफा सुल्तान की किताब सुनाई और दूसरी और किताबें सुनाई हैं अब तक। इस किताब का नाम है आई एम नजूद एंड 10 एंड डाइवोर्स्ड। तो आज का चैप्टर है द वेडिंग, फरवरी 2008 की उसकी वेडिंग के बारे में। तो वहां से मैं शुरू करती हूँ उसकी वेडिंग के बारे में से। तो मोना के साथ हेले एवेन्यू में टहलते हुए मैं समय का सारा हिसाब खो देती। अब ये मोना कौन है, ये बता रहे हैं कि ये जो के घर में रहने आ गई है अब्दुल वाहिद जो लॉयर है, वो अपनी पत्नी सबा और बच्चों से मिलवाने के लिए ले गया, और उसकी जो बेटी है शिमा जो इससे 3-4 साल छोटी है, वो बड़ी बड़ी बारबियों से खेलती है, और वो ये लोग बड़े अमीर हैं। और जब उसको पता चला कि इसके हस्बैंड ने इसको पीटा है, तो शिमा की बोहें तन जाती थी, और उसके जो 4 बेटे थे लॉयर के वो सब कार्टून देख रहे थे, और सबा ने उससे कहा कि तुम इसको अपना ही घर समझो। और अब ये
जो है बहुत इसको लगा कि इन लोगों ने तो मुझे बड़ा अपना लिया है, तो बड़ी काफी सहज महसूस किया। और अब जो है वो अपनी कहानी बताती है कि मोना के साथ हेले एवेन्यू में टहलते हुए मैं समय का सारा हिसाब खो देती। कभी कभी हम अपनी पसंदीदा दुकान के सामने की खिड़की में से इतनी देर तक अपनी नाक दबाते थे कि शाम के कपड़े भाप से भरे गिलास के पीछे गायब हो जाते थे। प्लास्टिक के पुतले पर सफेद शादी की पोशाक हमेशा मेरे फैंस को भाती थी। एक महिला के लिए पोशाक और सड़क पर उन सभी महिलाओं के साथ क्या अंतर है जो सिर से पैर तक काले रंग में लिपटी हुई हैं? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी शादी के दिन ऐसा ही होगा, मोना फुसफुसाती थी। ये मोना उसकी बहन है। नकाब से बनी उसकी चमकती हुई आंखें जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो उसके बाकी चेहरे को ढक देती थी। मोना शायद ही कभी मुस्कुराई हो। एक खुशहाल शादी के साथ भाग्य उस पर मुस्कुराया नहीं था। अच्छा, ये उसकी वो शादीशुदा बहन है जो कभी कभी मिलने आती थी। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि इसकी एक बहन थी मोना, और वो अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी आती थी। और एक दिन मोना का हस्बैंड लापता हो गया और इसकी एक और बहन है वो भी लापता हो गई। तो दोनों जने लापता हो गए, एक एक बहन का हस्बैंड और एक दूसरी बहन। तो मोना शायद ही कभी मुस्कुराई हो। एक खुशहाल शादी के साथ भाग्य उस पर मुस्कुराया नहीं था। जल्दी में शादी हुई थी, उसे नीले रंग की ड्रेस पहननी पड़ी और उस विवरण के अलावा वो अपनी शादी की परिस्थितियों के बारे में हमेशा टाल मटोल करती रही। जब से उसका पति अचानक गायब हो गया था, न जाने कहाँ, ये एक क्लोज्ड इशू बन गया था। मैंने कल्पना की थी कि वो यमन से बहुत दूर कहीं यात्रा कर रही है, लेकिन मैं सावधान थी कि मैं एक भी प्रश्न न पूछूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मोना बस बड़बड़ाएगी कि वो तो मेरे लिए बस यही चाहती थी कि मैं बन जाऊं एक स्नेही और सम्मानित पति के साथ खुश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी का दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। और वैसे भी मुझे वास्तव में इस बात का स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि शादी क्या है। अब आप ये सोचिए कि ये जो नुजूद है, ये कहती है कि ये 10 साल की है, पर इसके हिसाब से, माँ बाप के अंदाजे से इसने अपनी और बहनों की एज के अनुपात में इसने अपनी एज 10 साल बताई है, पर एक्चुअली में इसको मालूम नहीं है कि ये कितने साल की है। इसको नहीं पता कि ये, हो सकता है ये 8 ही साल की हो। और वैसे भी वास्तव में इस बात का स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि शादी क्या है। मेरे लिए ये सबसे बड़ा उत्सव था जिसमें बहुत सारे उपहार और चॉकलेट और गहने थे। यानी ये इतनी छोटी बच्ची है, इस शादी का मतलब ये सोचती है बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, चॉकलेट मिलेगी, गहने मिलेंगे, एक नया घर, एक नया जीवन। कुछ साल पहले मैंने कुछ दूर के लड़के और लड़की के चचेरे भाइयों के लिए आयोजित विभिन्न समारोहों में भाग लिया था जहां संगीत और नृत्य होता था। उनके बेल्टों के नीचे उनके लंबे काले कोट में महिलाओं ने सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे। उनके चेहरों को शानदार ढंग से सजाया गया था। उनके बालों को हेयर ड्रेसर ने चिकना कर दिया था जैसे शैम्पू की बोतलों पर चित्र। सबसे आकर्षक लड़कियों के बैंग्स में छोटी तितली बैरेट के साथ। मुझे उन पार्टियों में हमेशा बहुत मजा आता था। मुझे युवा दुल्हनों के हाथों और बाहों पर मेहंदी की सजावट याद आती है जिसमें फूलों की तरह डिजाइन होते हैं। कितनी सुंदर थी मेहंदी, और मैं सोचती थी एक दिन मेरे हाथों में भी मेहंदी लगेगी। खबर कहीं से नहीं आई। जब अब्बा ने मुझे बताया कि मेरी बारी आ गई तो मैं वास्तव में समझ नहीं पाई। पहले तो मुझे लगभग राहत महसूस हुई, मानो शादी एक बच निकलने का रास्ता हो, क्योंकि घर पर जीवन असंभव हो गया था अपनी रेहड़ी सफाई कर्मचारी की नौकरी खोने के बाद। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि इसके फादर की नौकरी चली गई थी, जो सफाई कर्मचारी था। तो उस रेहड़ी सफाई कर्मचारी की नौकरी खोने के बाद अब्बा को कभी भी पूर्णकालिक रोजगार नहीं मिल पाया था, इसलिए हमें किराया देने में हमेशा देर हो जाती थी और मकान मालिक नियमित रूप से हमें निकालने की धमकी देता था। ये भी आपको याद होगा कि इनको गांव छोड़कर एक शहर में आना पड़ा था, और वहां पर जो किराया था वो पूरा नहीं हो पा, मतलब जो भी ये अर्न करता था इसका फादर, वो पूरा नहीं था किराया देने के लिए। तो इनको खाने के लाले पड़े रहते थे और ये खाना भी नहीं खा पाते थे।
और किराया देने में देर हो जाती थी तो मालिक उसे धमकी देता रहता था निकलने की। पैसे बचाने के लिए अम्मा, जो इसकी माँ है, इसको ये ओम माँ कहती है, ओम माँ अब केवल चावल और सब्जी का स्टू बनाती थी। उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया कि घर के कामों में कैसे उसकी मदद की जाए। हमने शाफ्ट आउट बेक किया, एक प्रकार का बड़ा पैन केक जिसे लहसुन और प्याज के साथ दही के स्वाद के साथ मिलाया जाता है, और बिंट अलसाहन शहद के साथ तैयार एक स्वादिष्ट मिठाई। जब मेरे पिता घर में पर्याप्त पैसे लाते थे तो ओम माँ मेरे एक भाई को चिकन खरीदने के लिए बाहर भेजती थी, जिसे वह मुस्लिम पवित्र दिन यानी शुक्रवार के लिए पकाती थी। लाल मांस, इसे भूल जाइए, बहुत महंगा है। वास्तव में मैंने एक रेस्टोरेंट में अपने पहले भोजन के बाद कोई फतह यानी बीफ स्टू नहीं खाया था, जहां कुछ चचेरे भाइयों ने हमें ईद मनाने के लिए आमंत्रित किया था। हमें कुछ बेप्सी पीने को भी अनुमति दी गई, जो अमेरिका का एक काला सोडा है। अब ये पेप्सी को बेप्सी कह रही है। और जब हम रेस्टोरेंट से निकले तो एक वेटर ने बड़ों के हाथों पर इत्र छिड़का और मेरे भी। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ओमा ने मुझे फ्लैट ब्रेड बनाना भी सिखाया था। जब मैं आटा गूंथती थी तो वो आग जलाती थी, जिसे तंदूर ओवन की भीतरी दीवार के खिलाफ दबाने से पहले वो पूर्णिमा के आकार में फैला देती थी। हालांकि एक दिन उसे काले बाजार में थोड़े पैसे के बदले अपना तंदूर छोड़ना पड़ा। जब भी हमारा पर्स खाली होता, वो हमारी कुछ संपत्ति बेच देती। मूल रूप से उसने मेरे पिता पर भरोसा करना छोड़ दिया था। और फिर वो दिन आया जब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। पैसे की कमी के कारण पर्याप्त तो भोजन न मिलने के बाद मेरे भाई आखिरकार उन युवा सड़क विक्रेताओं में शामिल हो गए जो लाल बत्ती पर कार की विंडशील्ड पर टैप करते हैं। कुछ सिक्कों के लिए चेहरे के ऊतकों या च्यूइंग गम के एक पैकेट का व्यापार करने की उम्मीद करते हैं। यहां तक कि मोना भी उनके साथ शामिल हो गई, लेकिन भीख मांगने से उसके साथ कुछ घटिया हरकतें होने लगी। 24 घंटे के भीतर उसे पुलिस ने उठा लिया और हिरासत केंद्र भेज दिया। जब वो घर लौटी तो उसने हमें बताया कि उसने खुद को उन महिलाओं के बीच पाया जिन पर एक ही समय में कई पुरुषों के साथ जाने का आरोप लगाया गया था, और ये कि जेल में महिला सुरक्षा कर्मियों ने सभी के बाल खींचे। जब वो अपने डर पर काबू पा चुकी थी तो वो फिर से भीख मांगने निकली और एक बार फिर पुलिस के साथ आमने सामने आ गई। उस दूसरी कैद के बाद उसने अपनी जोखिम भरी हरकतें छोड़ दी। फिर हाइफा की बारी थी और इसे आजमाने की मेरी बारी थी। हाथ में हाथ डालकर हम कार की खिड़कियों पर अपने नाखूनों को खरोचने के लिए निकले। मुश्किल से ड्राइवरों की तरफ देखने की भी हिम्मत हो रही थी, जो अक्सर हमें नजरअंदाज करते थे। मुझे ये पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जिन दिनों आबा बहुत देर तक बिस्तर पर नहीं लेटे थे, वे पड़ोस के एक सार्वजनिक चौक पर अन्य बेरोजगार पुरुषों की तरह एक मजदूर, राजमिस्त्री या अप्रेंटिस 1,000 या इतने रियाल के लिए लगभग $5। अधिक से अधिक अब वो कुछ पड़ोसियों के साथ खाट चपाते हुए अपना दोपहर व्यतीत कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि इससे अब उन्हें अपनी परेशानियों को भूलने में मदद मिली और ये दिनचर्या एक रस्म बन गई। दूसरे स्थानीय आदमियों के साथ पालथी मारकर बैठकर वो एक छोटे से प्लास्टिक बैग से सबसे अच्छी हरी पत्तियों का चयन करता और उसे अपने मुंह के कोने में दबा लेता। बैग जितना खाली होता जाता था, उसका गाल उतना ही सूज जाता था। जबकि पत्तियां एक गेंद नहीं बन जाती, वो घंटों घंटों तक चबाता रहता। यह उन खत सत्रों में से एक का दौर था कि लगभग 30 का एक आदमी उसके पास आया था। मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों परिवार एकजुट हों, उस व्यक्ति ने कहा था। उसका नाम फैज अली थमेर था और वो एक डिलीवरी मैन के रूप में काम करता था। अपनी मोटरसाइकिल पर हर जगह पैकेज ले जाता था। वो भी हमारी तरह मूल रूप से खरद जी गांव का रहने वाला था और उसे पत्नी की तलाश थी। अब देखिए, 30 साल का ये आदमी है जिसका नाम फैज अली थामेर है, और ये इस 10 साल से भी कम की बच्ची के साथ शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया है। तो ये देखो, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। मेरे पिता ने उनका प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया।
मेरी दो बड़ी बहनों जमीला और मोना के बाद अगली कतार में मेरी शादी होना तार्किक था। जब आबा घर लौटे तो उनका मन पहले से ही बना हुआ था और कोई इसे बदल नहीं सकता था। उसी शाम मैंने मोना और हमारे पिता के बीच की बातचीत सुनी। मोना ने जोर देकर कहा कि नुजूद शादी करने के लिए अभी बहुत छोटी है। आबा ने जवाब दिया, बहुत छोटी? जब पैगंबर मोहम्मद ने आयशा से शादी की थी तब वो केवल 9 साल की थी। ये देखिए, और ये लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कि यहाँ पर इन लोगों ने साफ साफ कहा कि देखो आयशा की शादी 9 वर्ष में हुई है तो तुम भी करो, यानी पेडोफीलिया जो है स्प्रेड करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये एग्जाम्पल ये लोग दे रहे हैं और ये कहते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है, उस जमाने में ऐसा होता था, अभी तो नहीं हो रहा है। तो ये अभी की बात है, ये यमन की बात है, तो अभी कैसे हो रहा है ये सब। तो इसके अब्बा ने आयशा का उदाहरण देके कहा कि वो तो केवल 9 की थी, मतलब तुम तो अभी 10 की हो, वो तो 9 की थी। हाँ, लेकिन वो पैगंबर के समय में था, अब चीजें अलग हैं। ये इसने कहा, मोना ने। तो अब्बा बोला, सुनो, ये शादी उसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? आप अच्छी तरह से जानते हैं वह वही समस्याओं से बचेगी जो आपको और जमीला को हुई थी। इस तरह किसी अजनबी द्वारा उसका बलात्कार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये मोना और जमीला का बलात्कार हुआ था और फादर समझा रहा है कि अगर उसकी शादी कर देंगे तो उसका बलात्कार नहीं होगा और वो बुरी अफवाहों का शिकार नहीं होगी। ये आदमी ईमानदार लगता है, कम से कम वह पड़ोस में जाना जाता है और वो हमारे गांव से आता है और उसने वादा किया है कि वो नुजूद को तब तक नहीं छुएगा जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। अभी आजकल हमने ये बात कही ना कि हमारे यहाँ बचपन में चाइल्ड मैरिज होती थी तो भाई पर गोना करके जब वो बड़े हो जाते थे तब भेजते थे उनके घर पर। तो ये मौलवी मौलाना हमारी चीटिंग कर करके यही बात अपने उस पर डालने लगे हैं कि भाई देखो उस समय तो रुख्सत ही नहीं होती थी। मैंने भी सुना किसी वाजिद को वाजिदी को मैंने सुना, उसका वीडियो कह रहा था कि वो अभी रुख्सती तो नहीं होती। इतना झूठ बोलते हैं ये कि 6 वर्ष में उसकी रुख्सती भी हो गई थी आयशा की, तभी तो वो मास्टरबेट करता था मोहम्मद उसकी टांगों के बीच में। मेरे पास है वो वाली हदीस, गोल्डन वर्जी, बहुत दिन बाद आपको देखा मैंने, स्वागत है आपका। तो हाँ, तो फिर अब ये इसने, इसके अब्बा ने इसको बोला कि इसने वादा किया है 30 ईयर्स ओल्ड आदमी ने कि ये जो 9-10 साल की नुजूद है ये उसको नहीं छुएगा जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब्बा बोला। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे पास पूरे परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो इसका मतलब एक मुंह कम होगा। मेरी माँ ने अभी कुछ नहीं कहा, मेरी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा। वो उदास लग रही थी लेकिन उसने मतलब ये इस्तीफा दे दिया इस बात से। आखिरकार उसने अधिकांश यमनी महिलाओं की तरह एक अरेंज मैरिज की थी, इसलिए वो ये जानने की अच्छी स्थिति में थी कि हमारे देश में पुरुष ही आदेश देते हैं और महिलाएं जो उनका पालन करती हैं। उसके लिए मेरा बचाव करना समय की बर्बादी थी। मैं अपने मन में अपने माँ पिता की बातें सुनती रही, एक मुंह कम। सोचो इस लड़की को कितना बुरा लगा होगा कि इसके फादर कहता है कि एक मुंह कम होगा खाने के लिए। तो जब उसने सेक्स करके इसको प्रोड्यूस किया तो जब तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो तुम बच्चे कर ही क्यों रहे हो और पैदा। तो मैं उसके लिए बस इतनी ही थी, एक बोझ, और उसने मुझसे छुटकारा पाने का पहला मौका जब्त कर लिया। ये सच था कि मैं हमेशा से अच्छी छोटी लड़की नहीं थी जैसे वो चाहता था, लेकिन आखिरकार शरारतें करना बच्चे होने का हिस्सा नहीं है तो क्या है। और मैं उससे प्यार करती थी उसके दोषों के बावजूद, और खट की उसकी गंदी गंध, क्योंकि वो करता था, वीड लेता था, और उसकी इस जिद के बावजूद कि हम सड़क पर रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए भीख मांगते हैं। यानी उसने अपने बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ दिया, जैसा आपने देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं जबकि ये इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी ये कॉकरोचों की तरह बच्चे पैदा करके उनको सड़क पे छोड़ देते हैं ताकि वो वहीं पर पल पल के बढ़ जाएं।
ये बेचारी भीख मांगती थी, लेकिन ये भी अच्छा। गोल्डन वर्ष जी, अच्छा ठीक है, आप रिकॉर्डेड सुनती हैं तो जी। तो आपकी और जमीला की भी यही समस्याएं थी, उनका इससे क्या मतलब था? मुझे बस इतना पता था। अब इसने, ये जो लड़की है नुजूद ने, इसने ये बातें सुनी कि आप कि इसका फादर मोना को बोल रहा है कि तुम्हारी और जमीला की भी वही प्रॉब्लम्स थी, तो इसको समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम्स थी। मुझे बस इतना पता था कि एक हफ्ता बीत चुका है, फिर एक और एक और जमीला वापस नहीं आई थी, यानी जमीला घर से बाहर भाग गई। मोना के पति की तरह वो भी अचानक गायब हो गई थी, यानी जमीला भी गायब हो गई और मोना का हस्बैंड भी गायब हो गया। मैंने ये भी ध्यान रखना छोड़ दिया था कि मैं उसे देखे बिना कितने दिनों तक रही। वो अक्सर हमसे मिलने आती थी और अब बस वो गायब हो गई थी। मैं जमीला को काफी पसंद करती थी, समय समय पर उसके पास मेरे लिए मिठाई लाई। हालांकि वो शर्मीली थी और बहुत बातूनी नहीं थी, लेकिन वो विचारशील और उदार थी। और मोना के पति, यानी ये जमीला जो थी, ये उसके लिए मिठाई भी लाती थी और अच्छी थी, बातूनी नहीं थी। और मोना के पति उसके रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद कभी वापस नहीं आए थे। वो कहाँ गया था? बड़े और उनके मामले मेरे लिए बड़े जटिल थे। अपने बेटे के लापता होने के बाद मोना की सास ने अपने पोते, यानी 3 वर्षीय मोनिरा और 18 महीने की नासिर की कस्टडी की मांग की थी। हार देखकर मोना ने अपने बच्चों को रखने के लिए एक बाघिन की तरह लड़ाई लड़ी थी और उसके तप ने उसे आंशिक जीत दिलाई थी। अपने बच्चे को पालने की आवश्यकता की दलील देते हुए वह उसे पकड़ने में कामयाब रही। अब उसे खोने के विचार से परेशान होकर उसने कभी भी उससे अपनी आंखें नहीं हटाई। जब भी वो भटकता था, वो उसके अपनी बाहों में पकड़ने के लिए दौड़ती थी, उसे कस कर पकड़ती थी जैसे कि वो कोई खजाना हो जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही हो। मेरी शादी की तैयारी तेजी से आगे बढ़ी और मुझे जल्द ही अपने दुर्भाग्य का एहसास हुआ जब मेरे होने वाले पति के परिवार ने फैसला किया कि मुझे शादी की रात से 1 महीने पहले स्कूल छोड़ देना चाहिए। मैंने उदास होकर मलक को गले से लगा लिया और वादा किया कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। एक दिन हम एक साथ, मलक इसकी दोस्त थी, अगर आपको याद हो, इसकी क्लासमेट थी स्कूल में, तो एक दिन हम एक साथ समुद्र के किनारे जाएंगे। वो बुदबुदाई मुझे अपने पास रखा। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे कभी देखा था। मुझे अपनी दो पसंदीदा शिक्षिकाओं सामिया और समीरा को भी अलविदा कहना पड़ा। उनके साथ मैंने अपना पहला नाम अरबी अक्षरों में लिखना सीखा था, दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट। दोपहर का वक्त, जीम का बोलबाला, वाह का पाश और डेल के चिमटे। नुजूद, मैं उनकी उनकी बहुत मैं उनका बहुत उनकी बहुत ऋणी थी। गणित और कुरान अध्ययन मेरे दो पसंदीदा विषय थे। हमने क्लास में इस्लाम के 5 स्तंभों को याद किया था। 5 स्तंभ, 5 पिलर्स हैं। शहादा या आस्था का पेशा, दूसरा सलात, तीसरा मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना, चौथा हज यानी मक्का की महान तीर्थ यात्रा, और पांचवा जकात यानी गरीबों को दान, और रमजान महीने भर का उपवास जिसके दौरान मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक न तो खाते हैं और न ही पीते हैं। मेरे सहपाठियों और मैंने सामिया से वादा किया था कि जब हम बड़े होंगे तो हम भी बड़ों की तरह रमजान मनाएंगे। हालांकि मेरा पसंदीदा विषय रेखा चित्र था, अपनी रंगीन पेंसिलों से मैं फूल और नाशपाती और नीली छतों वाले विला, हरे शटर और लाल चिमनियां बनाती थी। कभी कभी मैं एक वर्दीधारी गार्ड को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा कर देती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि अमीर लोगों के घरों की सुरक्षा गार्ड करते हैं। मैं हमेशा बगीचे में बड़े फलों के पेड़ बनाती थी, साथ ही बीच में एक सुंदर सा तालाब। अवकाश के दौरान हमने लुका छुपी खेली और नर्सरी राइम्स का पाठ किया। मुझे स्कूल पसंद था, ये मेरी शरण थी, मेरा अपना सुख। मुझे अपने पड़ोस की पड़ोसियों के घर में भागना भी छोड़ना पड़ा। हमारे घर से कुछ ही गज की दूरी पर, जहां उनके पास एक ट्रांजिस्टर रेडियो था,
मेरी छोटी बहन हाइफा और मैं हाइफा वहबे और नैन्सी अजराम के टेप सुनने के लिए उनके पास गए थे। लंबे बालों और भारी मेकअप के साथ दो खूबसूरत लेबनानी गायक, उनकी प्यारी आंखें और उत्तम नाक थी। हम उनकी नकल करते थे, अपनी पलकें झपकाते थे और अपने कूलों को हिलाते थे। हमें यमनी सिंगर जमीला साद भी पसंद आई, जो रियल स्टार थी। आप अपने बारे में इतना सोचते हैं, उसने अपने एक प्रेम गीत में चेतावनी दी। आपको लगता है आप सबसे अच्छे हैं। पड़ोस के लोग भी कुछ भाग्यशाली लोगों में से थे जिनके पास टेलीविजन था। टीवी यात्रा के लिए मेरा टिकट था। मुझे टॉम एंड जेरी, मेरा पसंदीदा कार्टून, और अदनान और लीना नाम का एक शो देखना अच्छा लगा, जिसमें दो दोस्तों की कहानी बताई गई थी जो एक दूर द्वीप पर मिले थे। मुझे लगता है कि वे जापानी या शायद चीनी होने वाले थे, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह मेरी तरह अरबी बोलते थे और बिना उच्चारण के। अदनान एक बहादुर लड़का था जो हमेशा लीना को बचाने के लिए तैयार रहता था। वास्तव में वह उसे बार बार उन बुरे लोगों से बचाया जो उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत भाग्यशाली थी, मैंने उससे बहुत ईर्ष्या की। अदनान ने मुझे ऐमन की याद दिलाई, अल क्यूए का एक युवा लड़का जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन जब मैं अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स के साथ गली में घूम रही थी, तो पड़ोस के एक लड़के ने हमें रोक लिया और अपमानजनक लगने वाली गंदी गंदी बातें कहकर हमें डराने लगा। वो हमारे डरे हुए भावों पर हंस रहा था जब आयमन उसे चुनौती देने के लिए जादू की तरह दिखाई दिया। बाहर निकलो या मैं तुम्हारे चेहरे पर पत्थर मारूंगा, आयमन ने उसे बताया। जब एमन की धमकी ने आखिरकार लड़के को भगा दिया, तो ये बड़े राहत की बात थी। यही वह समय था जब कोई मेरे बचाव में आया था और एमन मेरा काल्पनिक नायक बन गया। मैंने खुद से कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और तो शायद मैं काफी भाग्यशाली रहूंगी कि मुझे उसके जैसा पति मिले। मेरी शादी के दिन मेरी चचेरी बहनों ने जब मुझे आते देखा तो वे चिल्लाने लगी और ताली बजाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं मुश्किल से उनके चेहरे देख पा रही थी, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपने पहनावे पर फिसलने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ा था और जमीन पर घिसता जा रहा था। मैंने झट से फीके चॉकलेट रंग का एक लंबा अंगरखा पहन लिया, जो मेरे होने वाले देवर की पत्नी का था। एक महिला रिश्तेदार ने मेरे बालों की देखभाल की थी, जिसे उसने एक चिगौन में इकट्ठा किया था, जो मेरे सिर का वजन था। मुझे काजल तक नहीं लगा। एक छोटे से आईने में अपने चेहरे को देखते हुए, गोल गाल, गुलाबी होंठ और भूरी बादाम के आकार की आंखें, मैंने देखा तो मेरी बोहें कितनी चिकनी थी। और जितना हो सके मैंने कोशिश की, मुझे एक भी शिकन नहीं मिली। मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी। मुझे बुलाए हुए बुमुश्किल दो ही हफ्ते बीते थे। स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार महिलाओं ने मेरी शादी मेरे माता पिता के छोटे से घर में मनाई। हम में से 40 थे, सभी ने बताया। इस बीच लोग मेरे एक चाचा के घर पर जश्न मनाने और फिर से खाट खाने के लिए इकट्ठा हुए। दो दिन पहले जब विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब भी यह कार्यक्रम केवल पुरुषों के लिए ही था और बंद दरवाजों के पीछे हुआ था। सब कुछ मेरे बिना हुआ था। न तो मेरी मां, मेरी बहनें और न ही मुझे ये जानने का कोई अधिकार था कि चीजें कैसे चली गईं। हमें उस दोपहर देर से मेरे छोटे भाइयों के माध्यम से विवरण मिला, जो अपने भाई और भाई के साथ मेरे पिता, मेरे चाचा और मेरे भावी पति के लिए जलपान के लिए सड़क पर कुछ सिक्कों की भीख मांगने गए थे। हमें पता चला कि बैठक अच्छी तरह से स्थापित आदिवासी प्रोटोकॉल के अनुसार हुई थी। मेरे पिता के बहनोई केवल वही मौजूद थे जो पढ़ और लिख सकते थे। उन्होंने शादी के अनुबंध को तैयार करते हुए नोटरी के रूप में काम किया। मेरा दहेज 150,000 रियाल निर्धारित किया गया था, जो $750 के बराबर था। चिंता मत करो, मैंने उस रात अपने पिता को अपनी माँ से फुसफुसाते हुए सुना। उन्होंने नुजूद को पहली बार महावारी आने के एक साल से पहले न छूने का वादा किया है। मैं शर्मा गई। मेरी शादी का जश्न, जो लंच के समय शुरू हुआ था, जल्दी खत्म हो गया। सफेद पोशाक नहीं, मेरे हाथों में मेहंदी के फूल नहीं, कोई नारियल कैंडी नहीं, मेरा परम पसंदीदा, जो खुशी के दिनों का मीठा स्वाद रखता है, वो जल्दी खत्म हो गया था। लेकिन मेरे लिए
यह हमेशा के लिए लग रहा था। कमरे में एक कोने में बैठकर मैंने दूसरी महिलाओं के साथ डांस करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल से गुजर रही है, बेहतरी के लिए नहीं। सबसे कम उम्र की महिलाओं ने बैली डांस में सुधार करना शुरू कर दिया, अपनी नाभि को खोलकर और अपने शरीर को लहराते हुए, जैसे कि किसी वीडियो में दिखाया गया हो। हाथ पकड़कर बूढ़ी महिलाओं ने अधिक पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया, जैसा कि अभी भी गांव में देखा जाता है। संगीत की लय के दौरान वे मेरा अभिवादन करने आए और मैंने उन्हें गले लगा लिया कर्तव्य परायणता से, लेकिन मैंने मुस्कुराने का नाटक भी नहीं कर सकती थी। मैं मुख्य कमरे के अपने कोने में चुपचाप बैठी रही। रोने से मेरा चेहरा सूज गया। मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी, मैंने तैयार महसूस नहीं किया। मैंने पहले ही स्कूल को बहुत याद किया और मुझे मलिक को और भी ज्यादा मलक को। उत्सव के दौरान अपनी छोटी बहन हाइफा के उदास चेहरे को देखकर मुझे एक पीड़ा के साथ एहसास हुआ कि मुझे भी उसकी कमी खलेगी। मुझे डर की एक अचानक लहर महसूस हुई। क्या होगा अगर वो भी मेरे भाग्य को भुगतने के लिए अभिशप्त हो। सूर्यास्त के समय मेहमानों ने अपनी छुट्टी ले ली और मैं पूरी तरह से कपड़े पहने हाइफा के साथ सो गई। थोड़े देर बाद कमरे को ठीक करने के बाद मेरी माँ हमारे साथ आ गई। जब मेरे पिता अपने सर्वपुरुष बैठक से लौटे तो हम गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे माता पिता के घर में मेरी आखिरी रात के दौरान मुझे कोई सपना नहीं आया, न ही मुझे ठीक से सोना याद है। मैं केवल सोच रही थी कि क्या मैं अगली सुबह इस तरह जगूंगी जैसे एक बुरे सपने से। जब अगली सुबह करीब 6 बजे कमरे में सूरज की रोशनी भर गई तो ओमा ने मुझे जगाया और मुझे संकरे दालान में उसके पीछे चलने को कहा, जैसा कि हम हर सुबह करते थे। हम दिन की पहली प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के यानी अल्लाह के सामने झुकते थे। फिर उसने मुझे एक कटोरी फुल यानी प्याज और टमाटर की चटनी के साथ पका हुआ फावा बीन्स, जिसे हम नाश्ते में खाते हैं, और एक कप दूध वाली चाय हमारी चाय परोसी। मेरी छोटी गठरी हमारे दरवाजे के सामने मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने उसे न देखने का नाटक किया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजने के बाद ही मुझे अनिश्चितता से भरे इस नए जीवन के लिए खुद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे कस कर गले लगाने के बाद मेरी माँ ने मुझे काले कोट और दुपट्टे से ढकने में मदद की। पिछले कुछ वर्षों से जब मैं बाहर जाती थी तो बस एक छोटा सा रंग का घूंघट पहनती थी और कभी कभी इसे भूल भी जाती थी, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब मैंने देखा कि ओमा ने मेरी गठरी में हाथ डाला और एक काला नकाब निकाला जो उसने मुझे थमा दिया। उस क्षण तक मुझे कभी भी अपने आप को पूरी तरह से ढकने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो इतनी छोटी जो थी ना अब तक, और अब वो 10 साल की हो गई है, 10 की भी नहीं बल्कि 9 की होगी। इस दिन सड़क पर बाहर जाने पर आपको खुद को ढकना होगा। अब आप एक विवाहित महिला हैं, आपका चेहरा किसी और को नहीं बल्कि आपके पति को देखना चाहिए, क्योंकि यह उसका शराफ, उसका सम्मान है जो दांव पर है, और तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने उदास होकर सिर हिलाया और उससे अलविदा कहा। मुझे छोड़ने के लिए मुझे ओमा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अपने दर्द के बारे में बताने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। हमारे दरवाजे के सामने खड़ी एसयूवी के पीछे एक छोटा आदमी मुझे घूर रहा था। उसने आबा की तरह एक लंबी सफेद जन्ना पहनी थी और उसकी मूछें थी। उसके छोटे लहराते बाल कुछ उलझे हुए थे, उसकी आंखें भूरी थी और उसका चेहरा बुरी तरह मुड़ा हुआ था। उसके हाथ काले ग्रीस से सने हुए थे, वह सुंदर नहीं था। तो ये थे फैज अली थमेर, वह आदमी जिसने मेरा हाथ मांगा था और दिया था, वह अजनबी जिसे मैं शायद एक दिन खारदजी में चली गई थी, जहां हम पिछले कुछ वर्षों में कई बार यात्रा के लिए लौट आए थे, लेकिन जिसे मैं याद नहीं करती थी। उन्होंने मुझे ड्राइवर के ठीक पीछे सीटों की मध्य पंक्ति में 4 अन्य महिला यात्रियों के साथ बिठा दिया, जिसमें मेरे पति के भाई की पत्नी भी शामिल थी। उनकी मुस्कान तनावपूर्ण थी और वे बहुत बातूनी नहीं लगती थी। अजनबी पूरे रास्ते अपने भाई के बगल में पीछे बैठा रहा। मैंने अपनी लंबी सवारी के दौरान उसके चेहरे को न देखने के लिए थोड़ा बेहतर महसूस किया, लेकिन मैं उसकी आंखों को महसूस कर सकती थी और इसने मुझे कांप दिया।
वह वास्तव में कौन था, वह मुझसे शादी क्यों करना चाहता था, वह मुझसे क्या उम्मीद कर रहा था और विवाह इसका वास्तव में क्या मतलब था। मेरे पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब मोटर में जान आई और ड्राइवर ने दूर खींच लिया तो मेरा दिल तेज हो गया और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं चुपचाप रोई, अपना चेहरा खिड़की से चिपका कर रोई। तब जब मैंने देखा कि ओम्मा छोटी और छोटी होती जा रही है, बस एक छोटी सी बिंदी जिसमें कुछ भी नहीं है। मैंने उस पूरी यात्रा में एक शब्द भी नहीं कहा। अपने विचारों में खोई हुई मैं केवल एक चीज चाहती थी, घर वापस जाने का रास्ता खोजना, बचना। कार सना से जितनी दूर उत्तर की ओर जा रही थी, उतना ही मैं समझ रही थी कि मैं कितनी फंसी हुई थी। मैंने कितनी बार चाहा कि मैं उस दम घोटू काले नकाब को फाड़ सकूं। मुझे इस पूरे व्यवसाय के लिए बहुत छोटा महसूस हुआ। नकाब के लिए, अपने माता पिता से दूर इस लंबी यात्रा के लिए, इस नए जीवन के लिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने मुझे घृणा की, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानती थी। वाहन अचानक रुक गया। पिछला दरवाजा खोलो, सिपाही की आवाज ने मुझे चौंका दिया। बहुत ज्यादा रोने से थक कर आखिरकार मैं सो ही गई थी। तब मुझे याद आया कि उत्तर की सड़क चौकियों से भरी हुई है और हम केवल पहले वाले पर थे। लोग कहते हैं कि यह उत्तर में सेना और हौथी विद्रोहियों के बीच युद्ध की वजह से है। मेरे पिता कहते हैं कि हौथी शिया है जबकि अधिकांश यमन सुन्नी है। अब ये देखिए, यहाँ से आपको ये भी पता चला कि यमन में ज्यादातर सुन्नी लोग रहते हैं और एक चौकी है जहां पर हौथी शिया है के अंतर मुझे नहीं पता है। मुझे केवल इतना पता है मैं मुस्लिम हूँ और अपनी 5 दैनिक प्रार्थनाएं करती हूँ। गाड़ी के अंदर एक नजर डालने के बाद सिपाही ने हमें अपने रास्ते पर भेज दिया। काश मैं उस क्षण उसकी मदद के लिए अपील कर पाती, उससे मुझे बचाने के लिए कहती, अपनी हरी वर्दी के साथ, अपने कंधे पर हथियार के साथ। क्या वो आदेश और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला नहीं था? तब मैं उसे बता सकती थी कि मैं सना को नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं ऊब गई थी और उस गांव में अकेली थी जहां मैं अब किसी को नहीं जानती थी। वर्षों से मैं सना का की अभ्यस्त हो गई थी। मुझे राजधानी में निर्माणाधीन सभी इमारतें, चौड़े रास्ते, सेल फोन के लिए बिलबोर्ड विज्ञापन और मेरे मुंह की छत को गुदगुदी करने वाली नारंगी सोडा पसंद थे। प्रदूषण और ट्रैफिक जाम मेरे जीवन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन ये पुराना शहर था, बाब अल यमन, यमन का गेट की मुझे सबसे ज्यादा याद आएगी। बाब अल यमन वास्तव में शहर के भीतर एक शहर है, एक जादुई जगह जहां मुझे मोना या जमीला का हाथ पकड़कर घूमना पसंद था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं एक मिशन पर एक खोज करता हूँ। ये एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड है। इसके एडोब घरों और खिड़कियों को सफेद सजावट में इतनी नाजुक रूप से रेखांकित किया गया है कि भारतीय आर्किटेक्ट स्पष्ट रूप से मेरे समय से बहुत पहले वहां से गुजर चुके होंगे। बाब अल यमन इतनी शालीनता से सभ्य है कि मैंने पुराने जमाने के एक राजा और रानी की अपनी कहानी इजाद की थी जिन्होंने वहां खुशहाल जीवन व्यतीत किया होगा। शायद पुराना शहर पूरी तरह उन्हीं का था। जो कोई भी बाब अल यमन में प्रवेश करता है वो तुरंत सभी प्रकार की आवाजों से घिरा होता है। व्यापारियों का रोना, पुराने कैसेट टेपों के पॉपिंग और हिसिंग और नंगे पांव भिखारियों के विलाप के साथ घुल मिल जाता है, जबकि चौराहे पर एक जूते की चमक वाला लड़का आपको पेश करने के लिए आपका पैर पकड़ सकता है। उसकी सेवाएं, प्रार्थना के लिए बुलाहट अक्सर अव्यवस्थित शोर के इस पूरे संगीत कार्यक्रम से ऊपर उठती है। मुझे जीरा, दालचीनी, लौंग, नट्स, किशमिश की अलग अलग महक सूंघने में मजा आता था। सभी सेंट सड़क के बूथों से निकलते हैं। कभी कभी मैं पंजों के बल खड़े होकर स्टॉलों में रखे सामानों की को बेहतर सराहना करती थी जो मेरे लिए थोड़े बहुत ऊंचे थे, लेकिन जहां तक नजर जा सकती थी उसका इनाम ढेर लगा हुआ था। चांदी की जाम्बियां, कशीदाकारी शॉलें, गलीचे, शक्कर युक्त डोनट्स, मेहंदी और मेरी उम्र की छोटी लड़कियों के लिए कपड़े। बाब अल यमन में, अब देखिए यमन के अंदर जो एक डाउनटाउन एरिया है वो बाब अल यमन है। हम कभी कभी महिलाओं को सितार यानी अरबी में पर्दे में लिपटे हुए देखते हैं
उनके कपड़ों के ऊपर पहने जाने वाली खूबसूरती से पैटर्न वाले कपड़ों के बड़े रंगीन टुकड़े, मैं उन्हें पुराने शहर की महिलाएं कहती थी, क्योंकि उनके चमकीले रंग के कपड़े आम तौर पर गली में पहने जाने वाले काले घूंघट से इतने अलग थे कि ये महिलाएं किसी और उम्र की लगती थी। एक दोपहर जब मैं अपनी चाची के साथ किसी काम से जा रही थी, तो मैंने अपने आप को इस शानदार और लगभग अवास्तविक दुनिया से विचलित होने दिया और मैं घनी भीड़ के बीच अटक गई। जब मैंने अपनी चाची को फिर से मिलाने के लिए अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि सभी गलियां एक जैसी दिखती थीं। क्या मुझे अगले को दाईं की ओर लेना चाहिए या बाईं ओर? विचलित मैं आंसुओं में डूब गई। मैं ठीक थी और वास्तव में खो गई थी। और 2 घंटे बाद मुझे एक विक्रेता द्वारा देखा गया जो मेरी चाची को जानता था। नुजू, तुम इतना बिखरना कब बंद करोगी? आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांटा था। और यहाँ फिर से मैं खो गई थी। मेरी शादी के बाद के इस दुखद दिन में असहज एसयूवी में बैठी हुई थी। केवल अब मेरे आसपास के लोग गंभीर और अमित्र थे। मसालों का जादू चला गया था और विक्रेताओं की दयालुता, जो बच्चों को अपने अभी भी गर्म डोनट्स का स्वाद चखने देती थी। बड़ों की इस दुनिया में मेरा जीवन एक नया मोड़ ले रहा था, जहां सपनों की अब कोई जगह नहीं थी। चेहरे मुखौटे बन गए थे और कोई मेरी परवाह नहीं करता था। एक बार जब राजधानी हमारे पीछे थी, तो राजमार्ग पहाड़ों और घाटियों के बीच एक काली पट्टी बन गया। हर मोड़ पर मैंने अपनी सीट के आर्म रेस्ट को जकड़ा हुआ था। मेरा पेट गर्म हो रहा था और कई बार मुझे अपनी मिचली को नियंत्रित करने के लिए खुद को जोर से चिकोटी काटनी पड़ती थी। मैंने सोचा कि मर जाने से बेहतर है कि उस सड़क के किनारे रुकने के लिए कहा जाए, ताकि मैं कुछ ताजी हवा में सांस ले सकूं। मैंने सोचा, मैं धीरे धीरे जितना हो सके चुपचाप अपनी लार निगलती रही, कोशिश करती रही कि मैं बीमार ना हो जाऊं। मेरे चारों ओर हर किसी को अवरुद्ध करने के लिए मैंने परिदृश्य के सबसे छोटे विवरणों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। प्रांतों में खंडहरों में पुराने किले थे, सफेद ट्रिम वाले छोटे भूरे रंग के घर जो अस्पष्ट रूप से मुझे बाब अल यमन की याद दिलाते हैं। सड़क के किनारे कैक्टी कृषि की जेब के साथ बारी बारी से शुष्क पर्वत, एक सफेद पर्वत ड्राई पर्वत गुजरता है। घास काटने वाली बकरियां और गांव, यहाँ औरतें भी थीं। उनके चेहरे आंशिक रूप से उनके मुंह पर खींचे गए स्कार्फ से छिपे हुए थे। मैंने सोचा कि मैंने 2 रन ओवर बिल्लियां भी देखी थी, लेकिन छवि को याद करने से बचने के लिए मैंने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली। जब मैंने उन्हें फिर से खोला, तो कार खट के समुद्र में जा रही थी, दाईं और बाईं ओर जहां मैं देख सकती थी हरा। यह शानदार, इतना ताजा और ठंडा था। खत, हमारी राष्ट्रीय त्रासदी, ड्राइवर चिल्लाया। यह इतना पानी चूसता है कि हम सभी इस देश में प्यास से मर जाएंगे। जीवन वास्तव में अजीब है, मैंने सोचा। केवल बुरे लोग ही दुख नहीं फैलाते, सुंदर चीजें भी आहत कर सकती हैं। समझना इतना मुश्किल। थोड़ी दूर पर मेरी दाहिनी ओर मैंने कोकाबेन को पहचान लिया, एक छोटा सा गांव जो जीवित चट्टान में कटा हुआ था एक पहाड़ी के ऊपर। मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी, तो अपने माता पिता के साथ ईद मनाने दूसरे गांव जा रही थी। लोग कहते हैं कि कोकाबेन की औरतें दुबली पतली और खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वे रोज सुबह से खेतों में मजदूरी करने जाती हैं। नीचे चलने के लिए 1 घंटा, वापस ऊपर चढ़ने के लिए 1 घंटा, एक वास्तविक कसरत। क्या हिम्मत है! नीचे चलने के लिए 1 घंटा, वापस ऊपर आने के लिए 1 और, नीचे चलने के लिए 1 घंटा। ये कार के इंजन की धड़कन थी जिसने मुझे चौंका दिया। मैं कब से सो रही थी? हमने कितने मील की दूरी तय की थी? मुझे अनुमान नहीं था। 1, 2, 3। वाहन के पीछे आधा दर्जन आदमी बम्पर पर अपनी पूरी ताकत से धक्का दे रहे थे। हमें एक रेतीले गड्ढे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पहियों द्वारा उठे धूल के बादल के बीच मैंने सूखे हुए गांव के नाम वाले बोर्ड को पढ़ने की कोशिश की, जहां हम फंस गए थे। अर्जोम। जाहिर तौर पर हमने हाईवे को एक चट्टानी ऊबड़ खाबड़ सड़क के लिए छोड़ दिया था, जो एक खड्ड को किनारे कर रही थी, जिससे गहरी खाई बन गई थी। कार निश्चित रूप से रुकी हुई थी। एक ग्रामीण ने सुझाव दिया, बेहतर होगा कि आप मुड़ जाएं। उसके चेहरे पर लाल और सफेद रंग का दुपट्टा लिपटा हुआ था। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यह ट्रैक बस खराब होता रहता है। लेकिन हमें खारदजी के पास जाना चाहिए, ड्राइवर ने जोर देकर कहा। फिफ्थ, अपनी कार के साथ तुम मजाक कर रहे हो? अच्छा, फिर कैसे? सबसे अच्छा तरीका है गधे से जाना।
गधों की सवारी, लेकिन हमारे साथ औरतें हैं, ये मुश्किल हो सकता है। सुनिए, क्यों ना हमारे एक साथी को किराए पर लिया जाए। वो आगंतुकों को ले जाने के लिए चक्कर लगाने का आदी है और उसकी कार के टायर ऊपर है। उसे कम से कम हर 2 महीने में नए मिलते हैं। सड़क इतनी खराब है, इसलिए हमने कारें बदली। और जब बड़े हमारे बंडलों को दूसरे बंडल में ले जाने में व्यस्त थे, तो मैंने उन कुछ मिनटों का उपयोग अपने पैरों को फैलाने में किया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों में जितना हो सके उतनी शुद्ध पहाड़ी हवा खींची। मेरे काले घूंघट के नीचे भूरे रंग की पोशाक पसीने के साथ मेरी त्वचा से चिपकी हुई थी, और मैंने खड्ड के किनारे पर सावधानी से जाने के लिए सामग्री की तह उठाई। बिल्कुल नीचे, इतनी दूर, मैंने वाडीला को पहचान लिया, मेरे गांव की घाटी। वो बदली नहीं थी, हालांकि जब हम चले गए तब मैं बहुत छोटी थी। क्या मेरी बचपन की यादें वापस आ रही हैं? मेरे माता पिता के साथ क्षेत्र की कुछ हालिया यात्राओं के लिए धन्यवाद। या क्या मैं पुराने एल्बम में पड़ी उन धुंधली तस्वीरों की बातें याद कर रही थी, जिन्हें आबा समय समय पर अपनी आंखों में आंसू के साथ देखता था? मैंने अपने दादा को फिर से अपने मन की आंखों में देखा। मेरा जद, जिसे मैंने बहुत प्यार किया था, उनके देहांत को 1 साल हो गया था जब मैं फूट फूट कर रोई थी। वो हमेशा एक सफेद पगड़ी पहनता था, और हालांकि उसकी दाढ़ी पतली और भूरी थी, उसकी घनी भूरे रंग की भौहें थी। कभी कभी वो मुझे अपने घुटनों पर बिठाते और चंचलता से मुझे पीछे की ओर ले जाते, फिर अंतिम समय में मुझे पकड़ लेते। मैं इस विचार का अभ्यस्त हो गई थी कि अगर दुनिया मेरे चारों ओर ढह गई तो मुझे बचाने के लिए मेरा जद हमेशा रहेगा। वो बहुत जल्दी चला गया था। नुजूद, नुजूद, मैं मुड़ी, सोच रही थी कि कौन मुझे उस अपरिचित आवाज में बुला रहा है जो मेरे कानों के लिए बहुत अजीब है। मानवी जी, मैं जो है इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रही हूँ, किताब इंग्लिश में है, और कॉपीराइट के चलते जो है वो मैं सब ये सब नहीं कर रही हूँ। जख्मी दिल जी, मैंने इस पर एक स्ट्रीम बनाई हुई है। मैं मुड़ी, सोच रही थी कि कौन उसे अपरिचित आवाज में मुझे बुला रहा है जो मेरे कानों के लिए बहुत अजीब है। जेड की तरह नहीं, एक आवाज जिसे मैं हमेशा अपनी आंखें बंद करके पहचान सकती थी। ऊपर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे अज्ञात पति थे जो पहली बार मुझसे बात कर रहे थे जब से हम सना छोड़ चुके थे। मुश्किल से मुझ पर एक नजर डालने के साथ उन्होंने घोषणा की ये फिर से जाने का समय है। सिर हिलाते हुए मैं अपनी नई गाड़ी की ओर बढ़ी, एक जंग लगी लाल और सफेद टोयोटा पिकअप। नकाबपोश भाभी के साथ मुझे आगे की सीट पर बिठाया गया, नए ड्राइवर के दाहिनी ओर बिठाया गया, अन्य यात्रियों के साथ जो एक सवारी पकड़ रहे थे। पुरुष पीछे के खुले ट्रक बिस्तर पर चढ़ गए। कसकर रुको, ड्राइवर ने चेतावनी दी, पिकअप आगे पीछे हिलाएगा। बाहर निकलने से पहले उन्होंने अपने टेप डेक को उचित मात्रा में चालू किया और लोक संगीत लाउडस्पीकरों से पिकअप के रूप में जंग लगने लगा। ऊद का कंपन, एक प्रकार का ओरिएंटल ल्यूट, एक बहुत प्रसिद्ध स्थानीय गायक हुसैन मोहेब की आवाज के साथ, और जल्दी वे सड़क पर बड़े पत्थरों के साथ पिकअप कर रहे पिकअप के झटके से जुड़ गए। हालांकि हम आगे पीछे हिल डुल नहीं रहे थे, हम सभी दिशाओं में उड़ रहे थे। कई बार पत्थर हमारी विंडशील से टकराए और मैं प्रिय जीवन के लिए लटक रही एक टुकड़े में गांव में आने की प्रार्थना कर रही थी। संगीत सुने, इससे आप अपना डर भूल जाएंगे, ड्राइवर चिल्लाया। अगर वह केवल जानता कि अन्य भय मुझे क्या सताते हैं। हुसैन मोहेब के विलाप की आवाज के लिए हम घंटे के बाद घंटे चले गए। मुझे ड्राइवर द्वारा कैसेट को कितनी बार रिवाइंड करके संख्या गिननी चाहिए थी। वो संगीत से मदहोश लग रहा था, जिसने निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने का साहस दिया। अपने स्टेयरिंग व्हील पर ऐसे लटके जैसे कोई सवार अपने घोड़े से चिपका हो, उसने अपनी आंखों से जरा सा भी मोड़ लिया, घुमावदार सड़क पर कीलक लगाई, मानो वह इसके सभी नुकसानों को दिल से जानता हो। भगवान ने प्रकृति को कठोर बनाया, लेकिन सौभाग्य से उसने मनुष्य को और भी कठिन बना दिया।
खैर, मैंने सोचा अगर ड्राइवर सही कह रहा है तो भगवान मुझे शामिल करना भूल गए होंगे, हम यानी अल्लाह मुझे शामिल करना भूल गए होंगे। हम घाटी में जितने गहरे गए मुझे उतना ही बुरा लगा। मैं थक गई थी, मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ, मैं भूखी प्यासी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे डर था। हम वाडी लाके जितने करीब आए मेरा भाग उतना ही अनिश्चित होता गया, मेरे बचने की उम्मीद धराशायी। खर्द जी नहीं बदले थे, यह अभी भी पृथ्वी के अंत की तरह महसूस हुआ। जैसे ही हम पहुंचे, हड्डी मरोड़ने वाली सवारी से दर्द करते हुए मैंने 5 पत्थर के घरों को, गांव से होकर बहने वाली मामूली नदी को, फूलों से फूलों को गुनगुनाते हुए अंतहीन पेड़ों को और गांव के बच्चों को कुएं पर जाते हुए पहचान लिया। उनके छोटे पीले जहरी के डिब्बे भर दें। एक घर की दहलीज पर एक महिला हमारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुरंत लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। उसने मुझे गले नहीं लगाया, एक छोटा चुंबन भी नहीं, एक कोमल थपकी भी नहीं। उसकी माँ, मेरी नई सास, वो बूढ़ी और बदसूरत थी। उसकी त्वचा पर छिपकली जैसी झुर्रियां पड़ गई थी। उसके सामने के 2 दांत गायब थे, जबकि अन्य दांत गुहाओं से सड़े हुए थे और तंबाकू से काले हो गए थे। उसने काले और भूरे रंग के सिर का दुपट्टा पहना हुआ था। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर खाली था, शायद ही कोई साज सामान था। 4 बेडरूम, 1 बैठक का कमरा, एक छोटा सा रसोई घर, शौचालय तारों के नीचे कुछ झाड़ियों के पीछे था। सना छोड़ने के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं भूखी थी और उसकी बहनों द्वारा तैयार किए गए चावल और मांस पर काफी हद तक गिर गई थी। हमारे भोजन के बाद गांव के कुछ मेहमान शामिल हो गए। बड़े बूढ़े खाट चबाने के लिए इकट्ठा हो गए। दोबारा मैं एक कोने में दुबक कर चुपचाप उन्हें देखती रही। मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरी कम उम्र से किसी को हैरानी नहीं हुई। बाद में मुझे पता चला कि ग्रामीण इलाकों में छोटी लड़कियों का विवाह असामान्य नहीं है, इसलिए इन लोगों के लिए मैं एक अपवाद की तरह नहीं लगी। एक आदिवासी कहावत भी है जो कहती है, एक सुखी विवाह की गारंटी के लिए 9 साल की लड़की से शादी करें। यही तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ जो ईरान वगैरह पूरे इन सारे कंट्रीज में मोहम्मद की वजह से पीडोफिलिया फैल गया है, और 9 साल जो है वो एक ऑफिशियल एज कर दी है छोटी बच्चियों की शादियों की। और ये लोग कहते हैं कि भाई उस समय हुआ था जो भी हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब गंदगी आज के टाइम पर फैली है। बड़े बूढ़े तूफानी बातें कर रहे थे। सना, में जीवन इतना महंगा हो गया है, मेरी भाभी शिकायत कर रही थी। कल से मैं बच्चे को बाकियों की तरह काम करना सिखाऊंगी, मेरी सास ने बिना मेरा नाम लिए घोषणा की, और मुझे निश्चित रूप से आशा है वह अपने साथ कुछ पैसे लाएगी। हम उसे दिखाएंगे कि एक महिला कैसे होती है, एक वास्तविक महिला। मुझे याद है सूर्यास्त के समय मेहमानों के चले जाने के बाद जब वे मुझे अपने कमरे में ले गए तो मुझे कितनी राहत महसूस हुई। वो भूरे रंग का अंगरखा जो मैंने पहले दिन से पहना था, उसमें वास्तव में दुर्गंध आने लगी थी और अब मैं अंत में इसे उतार सकती थी। एक बार जब दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया तो मैंने गहरी सांस ली और जल्दी से सना से लाई हुई एक छोटी सी लाल सूती कमीज पहन ली। यह घर की तरह महकती है, रालदार अगरबत्ती के संकेत के साथ एक मटमैली गंध, एक परिचित और आरामदायक खुशबू। फर्श पर एक लंबी बुनी हुई चटाई पड़ी थी, मेरा बिस्तर। बगल में एक पुराना तेल का दिया था जिसकी रोशनी की छाया दीवार पर पड़ रही थी। मुझे सोने के लिए बत्ती बुझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैं कभी नहीं जागी होती। जब दरवाजा खुल गया तो मैं चौंक कर जाग गई और सोचा कि रात की हवा असामान्य रूप से तेज हो गई होगी। मैंने बमुश्किल अपनी आंखें खोली थी कि मुझे गीला रोएदार शरीर अपने ऊपर दबा हुआ महसूस हुआ। किसी ने बत्ती बुझा दी थी जिससे कमरे में अंधेरा हो गया था। मुझे कपकपी हो आई, ये वो था। सिगरेट और खाट की उस तेज गंध से मैंने तुरंत पहचान लिया। वह लड़खड़ा गया एक जानवर की तरह, बिना कुछ बोले वो मेरे खिलाफ खुद को रगड़ने लगा। कृपया, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने हांफते हुए कहा। मैं हिल रही थी। तुम मेरी पत्नी हो, अब से मैं सब कुछ तय करता हूं, हमें उसी बिस्तर में सोना चाहिए। मैं अपने पैरों पर उछल पड़ी, भागने के लिए तैयार। कहां, क्या फर्क पड़ा, मुझे इस जाल से बचना था। फिर वो भी उठ खड़ा हुआ। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और चांद तारों की रोशनी की एक झलक देखते हुए मैं तुरंत आंगन की ओर भागी। वो मेरे पीछे दौड़ा। बचाओ बचाओ, मैं चीखी सिसक रही थी। रात में मेरी आवाज गूंजी,
लेकिन यह ऐसा था जैसे मैं शून्य में चिल्ला रही हूं। मैं सांस लेने के लिए हांफते हुए हर जगह कहीं भी भागी, मैं कमरे में गई, लेकिन जब वो वहां मेरे पीछे आया तो मैं फिर से निकल गई। मैं बिना पीछे देखे भागी, मैं किसी चीज से लड़खड़ा गई, शायद कांच का एक टुकड़ा, और फिर से उतारने के लिए अपने पैरों पर ठोकर खाई, लेकिन बाहों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे कसकर पकड़ लिया, मुझे वापस बेडरूम में ले गया, मुझे चटाई के पर नीचे धकेल दिया। मैं लकवा ग्रस्त महसूस कर रही थी, जैसे कि मुझे बांध दिया गया हो। एक महिला सहयोगी पाने की उम्मीद में मैंने अपनी सास को आवाज दी, अम्मा आंटी, कोई जवाब नहीं था। मैं फिर से चिल्लाई, कोई तो मेरी मदद करो। जब उसने अपना सफेद अंगरखा उतार दिया तो मैं अपने आप को बचाने के लिए गेंद में लुढ़क गई, लेकिन उसने मेरी नाइट शर्ट को खींचना शुरू कर दिया, मुझे कपड़े उतारना चाहा। फिर उसने अपने खुरदुरे हाथ से मेरे शरीर पर दौड़ाए और अपने होठों को मेरे होठों से दबा दिया। उससे बहुत भयानक गंध आ रही थी, तंबाकू और प्याज के मिश्रण से। मैंने फिर से निकलने की कोशिश की, मुझसे दूर हो जाओ, मैं अपने पिता को बता दूंगी। आप अपने पिता से जो चाहें कह सकती हैं, उन्होंने शादी के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने मुझे आपसे शादी की अनुमति दी है, आपको कोई अधिकार नहीं है। नजूब, तुम मेरी पत्नी हो, बचाओ बचाओ, वो अनायास हंसने लगा। मैं दोहराता हूं, तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हें वो करना है जो मैं चाहता हूं, समझी। अचानक ये ऐसा था जैसे मुझे एक तूफान ने छीन लिया हो, चारों ओर उड़ गया हो, बिजली गिर गई हो, और मेरे पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। गड़गड़ाहट की एक गड़गड़ाहट थी, एक और एक और। आकाश मुझ पर गिर रहा था, और यह तब था जब सब कुछ जल रहा था, एक जलन जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मेरे सबसे गहरे हिस्से पर आक्रमण किया। मैं कितना भी चिल्लाऊं, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। वो भयानक रूप से चोट लगी और मैं दर्द का सामना करने के लिए बिल्कुल अकेली थी। अपनी आखिरी सांस की तरह महसूस करते हुए मैं एक बार और चिल्लाई, मुझे लगता है मैं फिर होश खो बैठी। बस आज के लिए इतना ही था। तो अभी किसी को इस बारे में बात करनी हो तो मैं एक जो है लिंक दे देती हूँ, उसे पिन कमेंट में डाल देती हूँ। पर टॉपिक यही है, 10 साल की नजूद का। तो मैंने मैंने इनवाइट दे दिया है, अगर कोई आना चाहता है कुछ कहने के लिए तो आ जाइए। मुझे मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे घर सामने हो रहा है, आंखों के सामने। बिचारी बच्ची, 30 साल का गंदा आदमी, छी छी, देखने में भी बुरा। देखिए जितेंद्र जी, आप बाल विवाह मत कहा करिए। बाल विवाह दो बच्चों के बीच में होता है, तो आपको बाल विवाह नहीं कहना चाहिए, पेडोफिलिया कहना चाहिए। जो बड़ा आदमी, 30 साल का एक आदमी एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी करे, तो ये पेडोफिलिया है। और मोहम्मद तो 50 साल का, 54 साल का होके उसने करा, तो ये पेडोफिलिया है। प्लीज इसको बाल विवाह ना कहें, बाल विवाह दो बच्चों में होता है। क्योंकि कोई आ नहीं रहा है तो मैं फिर ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, और आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग जो है हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, और सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातनी बेबीसिटर्स रखिए, 2 मील आगे जाकर महंगी सब्जी सनातनियों से ही खरीदिए, अपनी घर की बच्चियों को खूब प्यार करिए, उन देखिए कि उनको कोई महंगे गिफ्ट ला के दे रहा है, उसके गले में सुअर के दांत का लॉकेट पहनाइए, और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की सारी चीजें रखिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, इसमें 50 हिंदुओं को जोड़िए ताकि वो आपकी रक्षा के लिए आ सके।
आज के लिए इतना ही। जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर मिलेंगे सामवेद में।